अरे उठ भी जा, उठ उठ जा। देखो उसको, देखो कितनी नींद आ रही है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस लड़के को इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, 11 बज रहे और ये उठ नहीं रहा। उठ जा, यू तो रोज उठ जाएगा, मुझे बोलेगा ले जुतिया। अब तू के तेरे क्या हो रहा है? तो तबीयत भी सही है? नहीं है सही, क्या हुआ? गले में दर्द हो तो मेरे भी बहुत तेज हो रहा है। देखो ये सोता है ना, तो उसका मुंह देखो ऐसे सोएगा। आज हमारे जो 24 आवर आंटी रहती है, जो हमारे एक झाड़ू पोछे वाली आंटी है, वो दोनों छुट्टी पे, तो आज हमें किसी और को बुलाना पड़ा है। आज सुबह से इतने पार्सल आए जा रहे हैं, ये सो ही नहीं पा रही थी। भाई बहुत तेज गुस्सा आया मुझे। लेकिन तेरे उस पे क्यों आ रहा है पार्सल, ये मुझे समझ नहीं। मैंने ऑर्डर किया था ना एक दो। तो अच्छा तूने ही ऑर्डर किए थे, तो क्यों करती है ऐसा? तेरे लिए किए। भानू, झाड़ू पोछे का काम हो गया, उसके बाद तू पूजा कर सकता है। मैं पी रही हूँ मेरा गर्म पानी, जो रोज मुझे सर्दियों में चाहिए होता है। अगर मैं इसको ना पीऊँ तो ये जो मेरी आवाज इस वक्त हो रखी है ना, पूरे दिन रहेगी। हमारे सब्सक्राइबर्स आए एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच, सो स्वीट। मैं घर में ही रखूंगी इसको, तो ये हमारे सब्सक्राइबर्स एक तो मेरे लिए इतना प्यारा गिफ्ट लेके आए हैं, और ये लोग इतनी दूर से जोधपुर से आए हमसे मिलने के लिए, तो बस ऐसे ही प्यार हमें मिलता रहे, इसके लिए हम लोग हमारे व्लॉग्स बनाते हैं, सारे वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों फीलिंग बेटर पहले से, लेकिन इतना बेटर नहीं कि मैं जाके पतंगे उड़ा सकूं, और सॉरी काम कर सकूं अच्छे से। पतंग तो उड़ाने जाएगा भी नहीं अब। अब क्या, तबीयत सही कर ले, उसके बाद ही जाऊंगा। उसके बाद क्या किया सूरज, तू पता देखो ज्यादा तेरी ना वो हवा से तबीयत खराब हुई है। अब तू चाहे माने या ना माने, उस दिन जो मैंने पतंग उड़ाई थी, जैसे ना मम्मी हर चीज में फोन ला देती है ना कि फोन की वजह से क्या हुआ है, वैसे ही ये हर चीज में मेरी पतंग ला देगी। लाऊंगी। बुखार क्यों हो गया? पतंगों की वजह से। भूखा क्यों रह गया? पतंगों की वजह से। ये क्यों हो गया? पतंगों की वजह से। सही बात है, तू इस हवा में बिना कपड़े पहन के ऊपर जाएगा तो यही होगा। चल तू चल। गाइस यार यहाँ बहुत दर्द हो रहा है यार। गाइस मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये दोनों लड़ रहे थे रात को भयंकर एक दूसरे के साथ। इसके बिना तो हमारा दिन पूरा नहीं होता, इतनी एनर्जी आ जाती दोनों के अंदर रात को लड़ने झगड़ने के लिए, और फिर ऐसे पड़ गए। तड़प जाती हूँ तो ये पिया तो मेरे पैर यूं करेगा जोर से, या ये फिर मेरी जो ये उंगली होती है नाखून इनको ऐसे दबाएगा, तो मतलब इंसान पूरा तड़प जाए। मैं एक तरफा बता दिया ना, ये बताइए ये बताइए। मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको देखना है तो मिनी व्लॉग में इसके क्लिप दिख जाएगी आपको, तो देखना है दोनों किस तरीके से। बकवास मत करे, तूने पीटा है मेरे को रात को, मैंने तेरा फिर भी तो इतने मेरा मारा हो, तेरे कहाँ लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा, उससे क्या मतलब है? पीटती तो है ना, पीटती तो है ना। ये पता क्या बोलती है? चल हाथ नीचे कर, मैं तेरे गाल पे चाटा मारूंगी। तो यार अब इसको पता है, एक बात बताओ। नहीं मैं एक बात बताती हूँ, इसने मेरी दुखती नब पे हाथ रखा, मेरी याद भाई यहाँ पे इतनी जोर से मारा, तो मैं भी वही मारूंगी जिसको मारू, तो गुस्सा है इसको कि चाटा पड़ते गुस्सा आता है, मैं घुमाऊंगी, लेकिन इसे मार नहीं दिया, मेरे को मार के जरूर रहूंगी मैं। मैंने सोचा मेरे शरीर पे कहीं पे मार ले, लेकिन ये पीछे पड़ गई चाटा मारने के, तो फिर मैंने चाटा भी मारने दिया, और उसको तो मैंने सूद दिया है ना। चाटा तो बेटा तेरा बाकी, और तो घुमा के चाटा मारूंगी ना, याद रखेगा तू। ये कोई बात नहीं, चाटा पड़ने के बाद तो मेरे क्या, मुझे पता है वो गुस्सा आएगा मुझे, तभी तो मजा आएगा। पागल हो जाते एक दूसरे को, फिर हंसते हंसते लोट पलोट हो जाते हैं, फिर तकिए से मार रही थी कल मुझे, फिर मैंने इसकी चादर से इसको पीटा। मैंने चादर से पीटा, वो तो तेरे क्या लगती नहीं है तू, ये पता क्या करेगा, खुद का पूरा बल इस्तेमाल करेगा, मेंस फिजिक मेंस बॉडी, तेरे से तो मैं लड़ नहीं सकती, लेकिन तू चाटा दिखाया बेटा, चाटा तो तुझे कोई बात नहीं, लेकिन तुझे हितेश भैया ने पूरा पूरा साथ दिया। हितेश भैया ने मेरा साथ तो दिया था, लेकिन ज्यादा देर नहीं दे पाए वो, उनको जैसे पता चला वो तबीयत खराब है, फिर छोड़ दिए। सब एक टीम में जाते हैं दोस्तों, इस बना रहे मुझे टेढ़ा, लेकिन ये बानू ये बिचापड़ी मिकुड़ी तो यही बच्ची सी, ये तो चीटी सी, कोई भी इसकी बाल फेंच के पटक देता साइड में, ये साले सारे एक साथ मेरे कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई पैर पकड़ कितना झूठ बोल रहे हैं, मैं तो आया नहीं था, मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, कल गेट से निकलते तूने मेरे हाथ पकड़ लिए थे, आपको रूम में पकड़ के लेके आ जा। और हितेश जी है ना, जैसी मेरे इसने ना ऊपर से यूं रखा, और हितेश जी पीछे से भागते मुझे मारने के लिए, लेकिन मारा तो नहीं ना, तो मार नहीं पाए वो, तो मारा इसलिए नहीं मारा उन्होंने, क्योंकि तेरे पे उनको तेरे पे कुछ अलग ही दया आती है, प्रेम आता है, तो मार नहीं पाए बेटा। तुमने कोशिश बहुत करी थी रात को, बेचारे बीमार आदमी को मार रहे रात को, ये ना लड़ रहे। ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ये ना पार्सल मेरे यहीं पड़े हैं,
खोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं इनको, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और ये पार्सल्स मैं खोलूंगी, ये खोलेगी, इसको वीडियो बनाना होता है मेरे सारे पार्सल्स खोलकर, पहले खुद देखती है कि इसको क्या मंगाया इसने, क्या मेरे काम का है, क्या इसके काम का है, फिर उसके बाद मुझे मिलता है ये चीज, मेरी मंगाई हुई चीज मुझे इसके थ्रू होकर मिलती है। पार्सल खोलने में मेरे ना अगर पार्सल आके पड़े तो मेरे से फिर तसल्ली नहीं रखी जाएगी। जैसे अपन सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं ना, वैसे सुबह दोपहर शाम ये पार्सल खोलती है आजकल। तकिया आ गया, 2000 रुपए का तकिया ऑर्डर कराया था, दिखा ना क्या है। मेरे खुद का जो तकिया ना वो इतना बेकार हो गया, मेरे यहाँ वो पेन रहने ही लग गया, इसके लिए मैंने मंगाया। पता मुझे लगा था ये आएगा नहीं क्योंकि इसमें सीओडी अवेलेबल नहीं था, लेकिन फॉर रिस्क हमने ट्राई कर लिया कि आ जाए। चलो बताती हूँ तुम्हें, अभी मैं देखिए कैसा तकिया है, इंस्टाग्राम पे ऐड दिखा था। ये क्या सिलेंडर भेजा है? अरे तो वो भेज दिया है सोफे पर। मसंड 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 होता है कि मसंड मसंड। लाइट जला देना सारे घर की, बहुत अंधेरा हो गया आजकल। अंदर फ्लैट में लाइट ही रहना कम हो गई क्योंकि बाहर इतना अंधेरा रहता है, बादल ही बादल रहते हैं। देखो अब बादल ही है, ये नीचे आ रही होगी धूप, हमारे फ्लैट में नहीं आ रही, सर्दी हो गई है। हाँ सूरज सच में मेरे अंदर ताकत ही नहीं रही इसकी। देखो 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 तो मारने आ गया। अरे छोड़ूंगी नहीं, ठीक है मजाक नहीं कर रही ना भाई, कुछ मजेदार हुआ तो मैं रख लूंगा। अभी तक नहीं, मेरे बहुत दर्द है भाई लेग में, दो तीन दिन तबीयत ठीक होने तक नहीं। मैं तेरे सर में लगा हुआ तकिया नहीं लगाऊंगी क्योंकि तू बहुत गंदगी से रहता है। क्या तकिया है? नहीं यार ऐसे मत बोलो। ये क्या मंगा लिया? ये अभी खुल जाएगा, खुलते जाए। ले कुछ नहीं, फूल फूला 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 इतना ही पतला रहेगा। ये तकिया है? रुक जाओ एक मिनट में सोके देख। सर की शेप लेगा अपने आप देखना, ये ले लिया। मस्त जगह है, मस्त चीज है। हटियो हटियो हटियो, मस्त चीज है यार। अरे हटे ना ये तो बिल्कुल ही, उधर को जाओ ना सामने। अपने आप तेरे सर की शेप ले लेगा ये देख, जा एक स्पैंड लगा है ना। अरे भाई दस गया मुंह इसके अंदर, कोई मतलब का नहीं। ला 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 मेरे, रुक एक सेकंड रुक एक सेकंड रुक, इसको अगर ऐसे फोल्ड करके सोए तो ये लग जाएगा। सो गया सो गया, हो गया आज का व्लॉग। शाम को डर देना दोस्तों। और अरे कोई मतलब का नहीं, मैं कुड़ी मेरा तो बढ़िया है, मैं तो बढ़िया है, लेकिन मेरा तकिया लगाया है। हां मैं आधे घंटे ट्राई करके देखता हूं। नहीं अरे सुन तो, आधे घंटे बस, आधे घंटे। अरे अभी तो नहा के आया हूं, अभी तो गंदा भी नहीं होगा। कैप्चर कर, क्लोज अप क्लोज अप क्लोज अप। ओ देखो देखो नाटक, देखो नाटक, साले तेरे ऊपर केस करूंगा। ठीक है लेके जा रही हूं मेरा तकिया। आज इसके मां-बाप को आन दो, मैं तो उनसे साइन करा लूंगा भाई। मेरे कुछ भी हुआ है आपकी बेटी जिम्मेदार है। मेरे ऊपर हमला होता रहता पूरे रात दिन। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको मैंने जारा से क्या शॉपिंग करी इस बार। सेल में तो मैं कुछ खरीद नहीं पाया, नॉर्मली खरीद लिया मैंने। देखो सेल में तो इसके बस की नहीं होती। ये एक शूज, ये इनकी देखो कितनी मोटी हील्स है, छोटा रह गया ना मैं तो, बड़ी हील वाले शूज लिए मैंने। रात को लड़ रहे थे ना जब मैं इसको बोलती टिंगड़े टिंगड़े, खुद बड़ी लंबी है। और तू मुझे क्या बोल रहा था? बूट्स तो यार ये लड़कियों के भी सेम होते हैं, बस उसमें ये लड़कों का साइज कर देते हैं। ठीक है और मैं दिखाता हूँ आपको, साइड में रख दे टिंगनी और मत ज्यादा। ये देखो एक ये पैंट अच्छी लग रही है यार, ये पैंट सूरज कुछ अच्छा है, अलग है, अलग अलग। काश सेल में आ जाती सब। सॉरी एक ये पोलो टी शर्ट अच्छी लग रही है। ठीक है एक ये क्यूट सा स्वेटर जो कि मेरा है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मेरा है। और एक ये जैकेट जो कि बिल्कुल इसके साइज की आई है, मेरे साइज की छोटी आ गई। ये इसकी साइज की नहीं है, मेरी साइज की है। लेदर जैकेट लिए मैंने, इसने बहुत कोशिश की मंगाने की अपनी साइज की बट नहीं आ पाई। तो एक जैकेट तू ले लियो, बाकी सारे मेरे। और इसको है ना वापस से पैक कर दे। क्यों कर रहे हो मैं पैक? देख तू लड़कियों से क्या बातें कर रहा है फोन पे। चल मेरा फोन चेक करती है। नहीं दूंगी। चल मत दे, कर ले यार कोई है ही नहीं। ये ले चुपचाप कर दिया, ले ले मुझसे बकवास करेगा। आज के बाद फोन स्विच ऑफ मत कर दियो। तेरी मम्मी ने बुलाया, चल घर पे चल। क्या हो गया? परेशान हूं मैं। क्यों? जब तक मेरे टेक्स्ट नहीं आएंगे ना वीडियो को मैं परेशान होऊंगी। वीडियो के अंदर इसने वहाँ शादी में एक वीडियो बनाया था शिवानी दी के फोन से और उन्हीं के फोन में छोड़ आई, और यहाँ लड़ रही है मैं लाई थी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, किसने डिलीट कर दिए। इतनी बेसुरी आवाज में तो नहीं बोला मैंने। मेरे दिमाग पता कैसे, मेरा दिमाग खराब है, मेरा काम खराब हो जाता है ना जब तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। अपन दोनों के ना अभी थोड़े से लड़ाई के वो सिस्टम चल रहे, थोड़ा सा दूर है मुझसे। तू भी दूर है, तू भी दूर है।
देखो दोस्तों, आज चौथी बार ये पकड़ी जा रही है मुझ पे जुल्म करती हुई। तेरे पे जुल्म अब देख रहा कितनी जोर से, मेरा कल से मेरा हाथ इतनी जोर से मोड़ा, देख रहा अब ये ना, देख रहा अब मेरे हाथ पे पड़ेगा निशान। छोड़ छोड़ मेरा हाथ, आ देखना लग जाएगी, पागल लग जाएगी इससे। बच जाता है तेरे गण थोड़े ठीक चल रहे, फिर तूने मेरा हाथ दबाया। अब इसके मेरे को मारते हुए इसके खुद के लग जाती है। छोड़ पैर मोड़ दिया, अब इसके मेरे मारते हुए इसके खुद के लग जाती है। मेरी क्या गलती इसमें? टाइट क्यों करता है तू? देखो इसको डराना है, ऐसे पैर पकड़ो। सॉरी 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 बोलेगी तुरंत ही। इसके ना ये मसल्स बहुत वीक है। क्या गुदगुदी होती है? बुखार क्या कर ली थे? थे तो पैक होगी। बुखार क्या कर ली दोनों जना? सही है वहाँ नजर लागी थारी। अरना मैं तो आज दिन में गई कौन बाप के घर, तू आयो ही छोटा हीटर। अरे यार ये हीटर काम की चीज है, अंकुट प्रसाद में बना दिया वो। यार मेरे को उठाओ यार, क्या बुढ़ापा आ गया क्या आपको? अरे यार मेरे कमर में पैन कर दर्द होता है। अरे बारे बुरी लग रही है, बहुत बुरी लग रही है। अभी तो लग रही हूँ जब वीडियो बनाऊंगी। देखो हमेशा मिक्स मिलता है हर जगह, अंकुर आंटी ने अलग अलग दी है इसके अंदर। इसे क्या कहते हैं? दाल, मिक्स दाल, मूंग है, मूंग चावल बाजरा मिक्स सब्जी और कड़ी, इन सबको गोबड़ जोबड़ जोबड़ करके मस्त टेस्ट आता है। क्या टेस्टी खाना आंटी ने पहली बार बनाया इतने सालों में, मजा आ गया आज तो। ये मेरा पहली बार, पिछली बार भी तू यही बोल रहा था। अरे मतलब इस बार भी नहीं बनाया टेस्टी, तो ये तो क्या प्रसाद बोल दिया ना। तू यार ये बात है, बहुत जल्दी पलटी मारता है। नहीं यार मजा आ गया, तीन दिन में मैंने आज खाया पेट भर के खाना। क्या खाया? कुछ नहीं खाया तुम लोगों ने तो? मैंने तो खूब सारा खा लिया और पैक भी करवा लिया। लौंग को इंग्लिश में क्या बोलते बताओ? लौंग को क्लो। ओ भाई पता है मुझे, बच्ची रख भूल गई भाई, मुझे नहीं पता था। अरे? और इलायची को ये नाखून होता है ना ऐसे दबाएगा और तेज दबाएगा इंसान तड़प जाए। और ये क्या मेरे पैर के यहाँ पे ना बहुत सेंसिटिव है ये चीज जगह, मतलब यहाँ पे, और ये ना मेरे यूं पकड़ता है और मैं ऐसे तड़प जाती हूँ और मैं इसके मारने जाऊंगी और ये दोनों ही चीजें पकड़ता हूँ। इसकी भी पकड़ ली थी इसलिए। अरे भाई तेज भैया तो बस पूछो भी बस। अब ये ना ये मेरे मारती है इसकी खुद की लग जाती है। ये मम्मी पता जहाँ मारती है उस जगह टाइट कर लेगा, इसके लगती नहीं है उल्टा मेरे लग जाती है। तेरे हाथ सॉफ्ट है और ये भाटे का सा नाजुक कलियुग नाजुक नहीं अड़ी है तो आपने गलत बात बोली है, तो नाजुक कलियुग ये तो नाजुक कलियुग है। ये आज की बात बताऊं मैं आपको, इसके जरा सा कुछ होता था ना जरा सा मर गया ऐसे करेगा। अगर ये नाजुक कली होती ना तो इसके लगती है तो ये चिल्लाता। अरे डैडी लगने की बात, लगना तो मैं आपको बताऊं, इसे कराटे कुरुटे कर रखा है तो इसको लगती नहीं है। अंदर से तो ये तो कमजोर है, कमजोर हूँ बॉडी से तो स्ट्रांग हूँ दिल से कमजोर है। तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, मतलब मैं बिखर जाता हूँ बुखार होती बुखार हुई। हमारी लड़ाई होती है ना तो मीकुड़ी का पता है क्या काम होता है, जैसे मैं इससे मारू तो कैमरा बंद, जैसे ये मुझे मारे कैमरा चालू। और ये डालता भी सिर्फ वही है, ये मुझे मार दिया। ये उसको कट कर देता है, तेरे वाले सीन को कट कर देता है। कट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रिकॉर्ड ही नहीं करती है। बारू रिकॉर्ड करता है जिसमें मैं इससे लड़ रहा हूँ, वो ही हटा देते हैं। ये हटा देगा वो, फिर हम हटा देते हैं। लड़ नहीं रहा हूँ पीट रहा हूँ वही एक ही बात है। आज पता चल गया ना सबको, इन्होंने खुद ने बोला है ये भी काट दूंगा। अरे बाप रे, एक सिर्फ एक दिन चाहिए मुझे इसकी तो मैं सारी पोल खोल दूंगी। एक दिन कैमरा तू मेरे को हाथ में दे दे। सूरज के घर पे दिया है आप? कौन देखे आया? क्या देख रहा है यार? वो पुए भूल गई तेरी आंटी, तेरी मम्मी पुए देना भूल गई। ये क्या अंकल आंटी इतना बोलते रहते ना वापस में, भूल जाते खुद ही। बोले यार तो आप ये भूल जाते हम कौन है? मम्मी शादी में जा रही है आज, मुझे तो पता ही नहीं मेरी मम्मी। तेरे को क्यों बताएगी, वो भी भूल गई तू उनका बेटा है। नहीं उनको पता है मैं कहीं जाता ही नहीं। मैंने देखो भगवान का प्रसाद खा लिया, कल तक देखना ऐसे रौनता दिखूंगा मैं पतंगबाजी में। मुझे एक बात बताओ, अब जैसे आज इसकी तबीयत खराब है कल तबीयत खराब थी, अभी अगर पतंग उड़ाने जाएगा तो ज्यादा खराब हो जाएगी, फिर आके रहेगा ठंडी है, बहुत ठंडी हवा चलती तो पतंग अच्छी उड़ती है। मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में आगे और अब वो मेरे से लड़ेगा भयंकर की गाड़ी में आगे क्यों बैठी, क्योंकि मैं चल के गई थी, तुझे गाड़ी नहीं मिलेगी। ओए चल
तू चल बे, तू चल, सुन चल, चल निकल 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 निकल, पीछे बैठेगा पीछे, आजा यार ये सी यार धरती पे ला ले धरती पे। मेरी तबीयत खराब हो रही है यार, अंकल बोलो ना यार। मेरी भी हो रही है, मेरी भी हो रही है यार, तबीयत तो उसकी भी खराब है। ये ले ये ले ये ले, मैं तो भूल ही गया कि इसी के तो पापा हैं ये। मैं तो जो बात होगी वो सही बोलूंगा, फैक्ट बोला जाएगा। पीछे बैठ गया, ये तो मैं बताऊंगा, तू रहने तू बैठा हो, तेरे को बताती हूं। किसी के भागी थी जोर सुरो जोर, वो यार जिस पे रणबीर कपूर एंट्री होती है ना, वो टैटे टैटे वो वाला गाना चलाती हूं देखा।